का सारा घाव निकल गया है, बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? अभी चल रहा है बरसात का मौसम, और इस बरसात के मौसम से पहले बहुत तेज गर्मी पड़ रही थी, और गर्मी पड़ने से क्या हुआ कि मेरी मम्मी की तबीयत हो गई है ख़राब। ये 20 दिन से परेशान है। देखिए चेहरा, देखिए चेहरे पे ना बहुत सारा दाना निकल आया है, मतलब कि 50 तो डेली निकल रहा है, छोटा बड़ा मिला है। देखिए पूरा चेहरा ख़राब हो गया है, या कुछ लाल लाल नज़र आ रहा होगा, रैशेस नहीं है, पूरा पूरा बॉयल है ये। और मम्मी हाथ में कहाँ पर हाथ दिखाई, तो अपने हाथ पर कहाँ पड़ी थी, ये देखिए फिंगर पे, एक पहले ही फिंगर, देखिए फिंगर पे ये कितना बड़ा निकल गया है, इसमें इतना पेन हो रहा है। देखिए यहाँ यहाँ कोहनी पे निकल आया है, अरे बाप, ये तो कितना सीरियस है, इसमें कितना ब्लड निकल रहा था। और कहाँ कहाँ पर देखिए, और पूरे हाथ पे इस तरह से ठीक होता है फिर निकलता है, ठीक होता है फिर निकलता है। इस हाथ में भी है ना, इस हाथ में देखिए, इसमें भी दुखा है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी है, और यहाँ बहुत सारा, देखिए यहाँ पे भी है, देखिए यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। तो इतना सारा दाना, मतलब 400-500 तो निकल ही गया है, यह बहुत तकलीफ़ है। सबसे बड़ी बात, सबसे पहले हम लोगों ने सोचा कि गर्मी दाना से, गर्मी से निकल आया है, तो हम लोगों ने पहले तो घरेलू उपाय किया, नाइसिन लगाया, फिर नारियल का तेल काफूर लगाया, उससे ठीक नहीं हुआ, तो फिर डॉक्टर को दिखाया, होम्योपैथिक डॉक्टर को, तो उन्होंने बोला कि ये बरसाती दाना है। तो हम लोगों ने बोला कि बरसात तो आई नहीं, एक महीना पहले की बात है, तो ये बरसाती दाना कैसे हो सकता, तो वो बोले कि नहीं बरसाती दाना है। तो उन्होंने दवा दिया, तो दवा खाने से 2-3 दिन दवा खाया गया, कोई फ़ायदा नहीं, दाना बस डेली निकलता ही जा रहा था। इसके बाद फिर हम लोग दूसरे होम्योपैथी डॉक्टर के पास गए, तो वहाँ पे उन्होंने कहा कि ये जो है हम दवा देंगे अपना बना करके, 3 दिन तक खाइए तुरंत ठीक हो जाएगा। और वो 3 दिन और खाया हम लोगों ने दवा, तो उन्होंने नाम नहीं बताया था, बोला अपना कंपोजिशन बना के देंगे हम, तो इसलिए क्या खाया पता नहीं, तो उससे भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उसके बाद फिर 50 दाना और निकल आया, तो हम लोग और टेंशन हो गया, तकलीफ़ बढ़ती जा रही थी, फीवर भी आ रहा था। तो फिर डॉक्टर के यहाँ गए, तो डॉक्टर ने बोला कि ये जो चिकन पॉक्स है, और चिकन पॉक्स की अलग दवाई आती है, पूरा किट उसका दिया, तो वो तो फिर हम लोगों को डाउट हुआ कि जो चिकन पॉक्स कैसे हो सकता है, तो बहुत दिन से है, खुजली इसमें नहीं है। तो फिर चिकन पॉक्स की दवा नहीं चली, उसके बाद फिर 2-3 दिन और गुजर गया, तो फिर हम लोग क्रीम लाने के लिए, जब पस निकलने लगा एक घाव में से, तो क्रीम लाने के लिए गया, तो क्रीम वाला जो था वो बड़ी ट्यूब दे रहा था, छोटा ट्यूब दे नहीं रहा था। फिर हम लोग दूसरे डॉक्टर के पास गए, दूसरे की, अरे हाँ देखिए हाथ में भी निकला हुआ है, देखिए हाथ में भी निकल गया है, और फिंगर में था जो कि थोड़ा सा दब गया है अभी, तो पूरे बॉडी में ना इतना निकला है, देखिए यहाँ पे भी। तो यहाँ पे जो गए, तो यहाँ के डॉक्टर ने बोला कि ये है गर्मी दाना, और दिया एंटीबायोटिक, और ये 2 दिन का दिया कि 2 दिन देख लीजिए, 2 दिन में फ़ायदा करेगा, तो कल से खा रहे हैं। तो देखिए कुछ तो ऐसा लग रहा है, फीलिंग्स अंदर से आ रही, फीवर तो आया ही था, मगर बॉडी में पूरा पेन भी हो रहा था, लेकिन अभी जो है कुछ ऐसा लग रहा है कि आपको भी लग रहा होगा, देखिए थोड़ा सा मुरझाया हुआ लग रहा है, फेस तो पूरा ख़राब ही हो गया, लेकिन थोड़ा दाने में पूरा रेड रेड हो रहा था ना, तो वो कुछ कम लग रहा है। तो अभी कल खाया है 2 कैप्सूल, और फिर अभी आज सुबह में खाया है, 2 दिन के दवा थी, शाम में ख़त्म हो जाएगी, तो देखिए ठीक होता है कि नहीं। और दर्द और तकलीफ से बेचारी मेरी मम्मी सुस्त पड़ गई है, और बार बार बोली मेरा चेहरा ख़राब हो रहा है, इतना सारा दाना निकल गया, सबका दाग रह जाएगा, तो जो ख़त्म होता जा रहा है दाना ना, उसका दाग रहता चला जा रहा है, देखिए चेहरा पूरा कैसा हो गया है। अब बीमार होने की वजह से कमज़ोर भी काफ़ी हो गई है, और फीवर आने की वजह से दादा कुछ खाना दे नहीं पा रहे हैं, और जैसे कि पॉक्स का भी डाउट था, तो उसके लिए भी थोड़ा सा जो है केयर ज़्यादा करना पड़ा था, कि मीट मछली या फिर दूध वगैरह यूज़ नहीं कर रहे थे हम लोग, और बहुत साफ़ सफाई अच्छे से सब कपड़ा वगैरह गर्म पानी करके सब धो दिया था। हालांकि चिकन पॉक्स नहीं था, मगर डाउट था, तो चलो उसका भी ध्यान कर ही दिया गया। अब ऐसा लग रहा है कि शायद तबीयत ठीक होगी, फीवर तो है, अभी कुछ कम लग रहा, सुबह में फीवर था, तब तो शाम में फिर डॉक्टर के यहाँ, कल सुबह डॉक्टर के यहाँ जाएंगे फिर से, लग रहा दवा फ़ायदा कर रही है। तो आप लोग भी मेरी मम्मी के लिए प्रे करिएगा कि जल्दी से अच्छी हो जाए। मम्मी, जब आपको इतना सारा दाना इतना जैसे निकला हुआ था, तो आप पहले क्यों नहीं बोले कि आपको इतना सारा तकलीफ हो रहा है, इतना दाना निकल गया, नहीं बताया कि तुम्हें तकलीफ होगी, देख हम लोग का तकलीफ ना हो, इसलिए अपना तकलीफ झेल लिया, तकलीफ तो हुई ही, फिर बाद में क्या फ़ायदा हुआ, बोलिए फिर तो तकलीफ हुई ना, और इतना सारा चेहरा भी ख़राब हो गया।
देखिए पूरा निकला, पूरा गर्दन, पीठ, बॉडी, पैर, हर जगह पे है। देखिए ऐसे ऐसे, ये देखिए कितना भयंकर है ये वाला। इसका तो मुंह भी नहीं है, और सबसे ज़्यादा पेनफुल यही है, इसका तो मुंह बना हुआ है ना, ये पस निकलेगा इसमें से, और दर्द काफ़ी दे रहा है। तो ये थी मेरी मम्मी की हेल्थ अपडेट। तो वीडियो को पसंद आने पे, इन्फॉर्मेटिव लगने पर, क्योंकि अभी आप लोगों को बताना होगा तो ऐसे ध्यान रखिएगा कि क्या हुआ है, पहले से ध्यान रखना है। तो वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अपने अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। बाय कर दीजिए मम्मी, बाय करिए, स्माइल स्माइल करिए, स्माइल करिए, स्माइल थोड़ा सा। तो 20-25 दिन के बाद मेरी मम्मी थोड़ा सा स्माइल कर रही है। इसमें कोई जगह खाली नहीं जो मैं इनको प्यार कर सकूं, कोई जगह खाली, पूरा चेहरा भरा हुआ, जो कैमरे में उतना क्लियर नज़र नहीं आ रहा होगा, कोई जगह खाली नहीं बची जहां पे आप इनको प्यार कर सकते हैं। हाँ यहाँ पे भी हो गया पूरा, देखिए यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, पूरा तो भर गया। अरे वाह, अरे वाह, इतना सारा है।